ये सलमान भाई ने कैसे वो पिक्चर में बेरोजगार योजना को लेके आ गए थे। जब हम रिव्यू कर दे ना तो हमारे सामने कोई भी रिव्यूअर टिक नहीं सकता। हेलो वन मनी मिस्टर विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, जवान का माहौल चल रहा है और हमारा मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब और मैंने, हम दोनों ने मिलकर देखी है जवान, शाहरुख खान की जवान। दोनों हम थोड़ा बहुत बातें करेंगे, रिव्यू करेंगे ऑन जवान। शुरुआत मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब। वो वर्ड तो बोले नहीं आपने, किसका भाई? ठीक है, अनन्या बुरा मान जाएगी। अनन्या का नाम तो शाहरुख भाई ने भी नहीं लिया है यार, आलिया का। आलिया का लिया। ओके। ये जवान नहीं है, ये बवाल है। बवाल 2023 की बवाल है। कट टू कट, फ्रेम टू फ्रेम शाहरुख सर को 57 की एज में ऐसा प्रेजेंट किया ना एटली सर ने। एटली सर की बात तो ऐसी है कि जब उनकी हटली ना तो ऑडियंस की तो अंदर फटली है। फिर ऐसा ऐसा फ्रेम दिखाया भाई, क्या एंट्री दिखाई वो पट्टी में। और जब आते, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं भी आप हूँ। ओ हो, उसके बाद में बस जो यंग जो शाहरुख दिखाया गया है क्लीन शेप में, अरे भाई मेरे को तो दिल वाले ये सब याद आ गई। बोला क्या इतनी जवानी, चलो वो सब भी ठीक है, लेकिन जो बुढ़ापे का जो लुक आया भाई, तो पूरा 1000 सीट का थिएटर एकदम पूरे पगलट हो गए थे। मैं तो खुद सीट पे खड़े रह के नाचा। चालू है यहाँ पे गेटी में, तीन चौथा दिन है। यस, अभी भी हम बाहर ही खड़े, इतनी आवाज चल रही है अंदर हर एंट्री पे। मतलब 7 से 8 एंट्री है शाहरुख खान की, मास में, बॉल लुक में, फिर वो जिंदा बंदा में। अरे जिंदा बंदा पे जब वो आंटी शुरू होती है, दिल नचदा, अरे क्या उनकी अदा है। और शाहरुख सर जब एंट्री ले रहे आजाद वाले लुक में, आय हाय हाय। इधर वो रेड शर्ट में जो, अरे पूरा लाल पहन गया है लेकिन सबको हरा भरा कर दिए। यस यस, कहीं ना कहीं ये बगावत की कहानी है। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छी। मतलब क्या क्या चल रहा है हमारे कंट्री में, तो एक आदमी उठता है और वो बगावत करता है इसके पीछे, और वो भी हमारा पुलिस वाला करता है, तो वो देखने में थोड़ी और मजा आती है। आजकल ऐसे तो पांडु मामा करते नहीं, लेकिन शाहरुख सर ने कर लिए। लेकिन इनके अंदर नयन तारा मैम भी नहीं लेता है, ये अमीरों से उठा के देता है। जैसे हमने दबंग 1 में देखा था रॉबिन हुड, वैसे ये कैरेक्टर है। यस, और नयन तारा मैम भी है। नयन तारा मैम को देख के तो मुंह से डेलर मेहंदी का बोलो तारा रा। अरे क्या कहीं ना कहीं केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लगी मेरे को। नहीं थी, ठीक थी, लेकिन जितना नयनतारा मैम को इन लोग ने कम दिखाया, आप जब देखोगे दीपिका मैम को, आय हाय हाय। मतलब पठान में के बाद में ऐसा हो गया, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तू रहेगी, वो बोलते भी ना मर जाओगे, अरे मैं तो तेरे पे पहले ही मर गया था 2007 में। और सेतुपति सर इसमें थोड़ा फ्लैट रहा। जिंदा बंदा अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना बना है, बहुत पावरफुल गाना है, चलिया बहुत फ्लैट गया। फिर उसके बाद में रमैया अवस्था आखिर में दिया है, थोड़ा बीच में आना चाहिए। एक थोड़ा बंगाली गाना भी है उसके अंदर। यस, वो शादी का गाना है शायद। नहीं, जब वो दीपिका बच्चे को जब पैदा होता है वो टाइम पे, हाँ वो पूरे गाने में तो कहानी चलती है। हाँ, लेकिन क्या मतलब, वो अच्छी तरीके से अनिरुद्ध सर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है हर एक फ्रेम में, जब जब वो आ रहे, वन ऑफ द किंग खान इज यंग, बाप रे बाप। ऑनेस्टली मैं अगर मैं बोलूँ ना, जब पठान लगी थी तो जो जोश में पब्लिक बाहर आके जो रिव्यू देती थी, वो यहाँ पे मेरे को नजर नहीं आया, वो वाइब नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक थोड़ा ऊपर नीचे है। Yes. जब झूमे जो पठान बजाए, अरे तो जो जोश में पब्लिक निकली है, जो पावर में जो निकली है, वो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो। नहीं, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन में ऐसा हो गया ना सर का, कि उन्हें सेतुपति सर को ना डब देना चाहिए था, मतलब डबिंग में उनका डायलॉग देना चाहिए था। जो लैंग्वेज में वो बोर रहे ना, उनका जो इंक्लूडिंग आ रही है, वो कहीं ना कहीं एकदम ऑडियंस एकदम थोड़ी वो हो जा रही है कि विलन है, उसको दमदार डायलॉग देना चाहिए। कि पूरे फोकस पे तो खाली सिर्फ शाहरुख सर ही है, उन्होंने पूरी पिक्चर संभाली है। यहाँ पे जो डायलॉग वो बोल रहे तो एकदम बोले तुमको फांसी लगेंगी, उसके बाद तुम्हारी जबान ऐसी बाहर आएगी। नाम कालिया दिया है हमारे बॉलीवुड में, जब कालिया आता है, काली या कालिया जो भी बोलो, काली है, तो उसके डायलॉग अच्छे होने चाहिए। मुझे नाम पता चला, बोला कहीं वो दिलवाले वाला काली नहीं बोले, काली और फिर एंट्री। लेकिन ठीक है, संभाल लिए उन लोग ने पिक्चर। बाबा इलायची, ये पिक्चर अगर नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। मतलब ये साल में शाहरुख सर ने पहले तो पठान दिए, उसके बाद में पाजी ने दिए, अब इसके बाद वापस जवान। ये जो फ्लेवर है वो कंप्लीट साउथ का है। अगर आप ये उम्मीद से आ रहे हो कि हमको बॉलीवुड की पिक्चर देखनी है, तो वो आपको नहीं देखने मिलेगी। आपको साउथ की पिक्चर विद बॉलीवुड एक्टर, वो भी हमारा सुपरस्टार शाहरुख खान, वो देखने मिलेगा आपको साउथ के एक्टर्स के साथ। एक टाइम था ना जब बॉलीवुड डल था, तो सब बोल रहे थे साउथ, तो शाहरुख सर बोले अबे मैं दिखाता हूँ, बोले साउथ में जाके ऐसा बवाल करे कि वहाँ पे भी पूरी तरह से रंगी रंग छाया हुआ है। शाहरुख खान ने
कि अभी जो पब्लिक चाहती है वो मैं करूँगा। yes, तो yes, पब्लिक yes. ने चाहा कि पठान जैसी पिक्चर करे, फिर पब्लिक ने चाहा कि साउथ वालों के साथ में पिक्चर करे, तो वो भी पब्लिक के लिए लेके आ गए। अभी ये तो आ गए, अब देखते भाई का बात है, उनको भी आना चाहिए, ऐसा कुछ धमाका करना चाहिए। कब तक फराज सामजी के साथ बैठ के काम करोगे भाई? और एक चीज़ तो है भाई, सर का एक डायलॉग है इसके अंदर, जब मैं विलन बनता हूँ तो मैं वो डायलॉग तो नहीं बोलूँगा, मैं अपनी टीम की तरफ से बोलना चाहूँगा जो हमको ना पसंद करते। जब हम रिव्यू करते ना तो हमारे सामने कोई भी रिव्यूअर टिक नहीं सकता। अरे बाप यार, क्या बात है, भी तो एक शान है, डबल रोल है शाहरुख खान का, बाप और बेटा है। जाके आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, मुझे बाप का रोल ज्यादा पावरफुल लगा। जब इंटरवल के बाद में आते हैं, मतलब पूरा पिक्चर खा जाते हैं, जूते से वो निकलता हुआ चिंगारी और अपनी सिगार जलना और फिर वो बाइक में डालना, एक्शन बाप का बहुत ज्यादा पावरफुल, एकदम देखते रहोगे अचानक से आपको एकदम अरे क्या है ये। और बाकी की लड़कियां है, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी फुटेज का मैं, सानिया मल्होत्रा तो इतना नाच रही थी यहाँ पे आके, ऐसा लगा कि उसकी पिक्चर है पूरी, वो थोड़े टाइम के लिए है लेकिन अच्छा है। प्रिया मनी भी थोड़े टाइम के लिए, पूरी पिक्चर शाहरुख खान की है और एडली ने बनाई है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा डल सीन है थोड़ा, लेकिन संभाल लिया इटली सर ने। हाँ, मतलब जहाँ पे फैमिली की स्टोरी चल रही है वहाँ पे पब्लिक आती है, वॉशरूम जाती है, गाने हाँ। चलते तो वॉशरूम जाती है, वहाँ पे भी कुछ तो एक बिठा के रखने वाला एलिमेंट होना चाहिए था, जो कि पठान में था, यहाँ पे वो कुछ फीका पड़ गया, कहीं ना कहीं फीका पड़ा है। एक हफ्ते बाद में और थोड़ा एनालाइज करके आपको ये ज़रूर बताएंगे हम बॉक्स ऑफिस के इसमें। यस, फाइनली 5 में से कितने मिलेंगे फॉर जवान? 5 गाना शुरू हो जाएगा मारो रे। और वो छोटे मास्टर जो कटिंग मास्टर विक्रम में थे, अरे उनका भी क्या काम है। और अपने एजाज खान, वो भी काम अच्छा किया उन्होंने, मतलब काफी एक्टरों को, मतलब जो घर बैठे थे शाहरुख सर ने उनको भी लेके आ गए। नहीं नहीं, ये मैं बोलना चाहूंगा, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया कि ये सलमान भाई ने कैसे वो पिक्चर में बेरोजगार योजना को लेके आ गए थे, तो इसमें कोई बेरोजगार योजना नहीं है, सब अच्छे एक्टर्स है, सब काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनको उनकी कैपेबिलिटी देख के शाहरुख खान ने लिया है। नहीं तो भाई को थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे ही एक्टर्स के साथ में काम। भाई ने सिर्फ ये देख लेता सादा कुट्टा कुट्टा, तो कुट्टा टॉमी, वो तो बहुत ही मतलब नल्ले एक्टर्स थे भाई के पिक्चर में। यस, तो 5 में से 5 दिया है, मैं 3.5 स्टार दूंगा फॉर जवान। कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रीचिंग हो गया है कि आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए, जैसे आलिया ने इसमें रॉकी और रानी में कैसे सिखाने की कोशिश की है, वैसे ऐसा थोड़ा शाहरुख खान ने सिखाने की कोशिश की है, इसलिए मेरी तरफ से पिक्चर को 3.5। थैंक यू मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जो भी है कर देना। थैंक यू।